Hello friends, welcome to Unnati Competition Classes. आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और इसकी शुरुआत कब हुई, इसका अध्यक्ष कौन होता है और इसकी कुछ बेसिक डिटेल, साथ में कुछ शॉर्टकट ट्रिक जिसके माध्यम से आप इन सभी ईयर को पंचवर्षीय योजना कब 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 आई, कब क्या हुआ, उसके बारे में आप उसको आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे कि इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1951 को हुई। ये योजना आयोग के द्वारा शुरू की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ योजना आयोग। हंसिएगा मत, सोचिएगा मत, बताऊंगा आगे मैंने ऐसा क्यों कहा। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेता है कि इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। 1951 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और योजना आयोग का अब नाम परिवर्तित होकर के बन गया है नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। देखिए, इसकी शुरुआत की जो रूपरेखा जो भी बनती है पंचवर्षीय योजना की वो बनाता है नीति आयोग कि इसके अंतर्गत किस चीज का विकास करा जाए, किसकी ग्रोथ रेट काफी कम है उस पर मैक्सिमम फोकस करा जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातों को इसमें ध्यान रखा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तीन चीज आप याद रखिएगा, शुरुआत हुई थी इसकी 1951 में, उसके बाद में उस टाइम पे क्या कौन थे पीएम, उस टाइम पे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का नाम परिवर्तित होकर के नया नाम क्या पड़ा है, नीति आयोग। ये तीन फैक्ट मैंने अभी आपको बताया, तो प्लीज इसको पैन डाउन कर लीजिएगा, कहीं इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में और इसको आप स्किप मत करिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अब काफी तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं इसको लेकर के कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है या फिर योजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष इस समय वर्तमान में कौन है। तो एसएससी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इसको पैन डाउन कर लीजिएगा, पैन डाउन करके कहीं छोड़ मत दीजिएगा, आपको ये याद भी करने हैं, ठीक है, याद भी करिएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं अब हम इस योजना की और उस योजना के अंतर्गत कौन सी उसकी अवधि थी और प्राथमिकता उसमें क्या दी गई थी, ठीक है। देखिए, जो पहली योजना जो आई थी 1951 से लेकर के 1956 के बीच में, पंच का मतलब पांच, तो पांच वर्ष की योजना ये होती है, तो दोनों का अंतराल क्या हो गया 1951-1956 तक का क्या बन गया, टोटल बन गया 5 ईयर, 5 वर्ष। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी कृषि को, खेती को, एग्रीकल्चर को। उसके बाद सेकंड जो योजना आई थी ये आई थी 1956 से लेकर के 1961 तक। इसमें क्या कहा गया था, इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी औद्योगिकरण को। अब एक थोड़ा से मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो हमारी खेती से, कृषि से, एग्रीकल्चर से हमको मिलता है कच्चा माल, ठीक है, जैसे गन्ना, गन्ने की खेती होती है, ठीक है ना, गन्ने की फैक्ट्री नहीं होती है। अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरे गन्ने की बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो वो गलत बोल रहा है, ठीक है। उसको ये बोलना चाहिए कि मेरी चीनी की बहुत बड़ी मिल है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है। तो मिल क्या आ गया, मिल होता है औद्योगिकरण में। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि, कृषि की हमसे, खेती से हमको प्राप्त हुआ गन्ना, गन्ना एज ए कच्चा माल, कच्चा मटेरियल, और कच्चा मटेरियल कहाँ पे गया, उद्योग के अंतर्गत, ठीक है ना, उद्योग में गया। जब गन्ना किसी मिल में जाता है तो क्या बनता है, गन्ने से बनती है चीनी, ठीक है। पहली प्राथमिकता दी गई खेती को, दूसरी प्राथमिकता दी गई उद्योगीकरण से। उद्योग तब लगेगा जब उसके पास कच्चा माल होगा, तो पहले फोकस किस पे करेंगे हम लोग, करेंगे खेती पर, खेती ही हमको क्या देगी, उद्योग के लिए कच्चा माल देगी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, कृषि और उद्योगीकरण। पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज को प्राथमिकता दी गई, एग्जाम में ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तब आप कंफ्यूज मत होना, दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता है। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि को बढ़ावा दिया गया, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगीकरण को बढ़ावा दिया गया। इससे जुड़े काफी सारे पहलू अभी हैं, काफी सारे पॉइंट हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा।
इस वीडियो के एंड में, वो आप लिखिएगा ठीक है। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1961 से 1966 के बीच में हुई। देखिए कृषि होगी मतलब खेती होगी, खेती के बाद क्या होगा, खेती से हमको कच्चा माल मिलेगा, कच्चा माल जाएगा उद्योग में, उद्योग को हेल्प मिलेगी, अगर उद्योग काफी ग्रोथ करेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, स्वावलंबी, स्वावलंबी का मतलब होता है मजबूत, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था कैसी होगी हमारी, होगी मजबूत। तो बेस क्या हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से करी हमने, खेती से, खेती से मिला कच्चा माल, कच्चा माल कहाँ जाएगा उद्योग में। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, उद्योग से। अगर उद्योग मजबूत होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आप इस तरह से याद करिएगा, इस तरह से थोड़ी सी स्टोरी बनाइए, थोड़ी सी छोटी सी अच्छी सी स्टोरी बनाइए, ठीक है। तब आपको अच्छे से ये सब सब याद हो जाएंगी कौन सी योजना में किस चीज को प्राथमिकता दी गई थी। देखिए क्वेश्चन, देखिए फोर्थ जो हमारी योजना थी वो चली थी 1969 से लेकर के 74, 2 साल का इसमें गैप रहा था, 2 साल का इसमें गैप था। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां के लोग क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और ये काफी इम्पोर्टेंट योजना थी, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया एसएससी के सीजल एग्जाम में कि किस योजना के अंतर्गत, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया या प्राथमिकता दी गई। तो आपको याद रखना है फोर्थ, ठीक है। अब क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेंगे तो मतलब क्या होगा, अगर हर इंसान क्या होगा आत्मनिर्भर बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, गरीबी का क्या होगा उन्मूलन हो जाएगा। तो यहां से हम याद करेंगे ये। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगर गरीबी कम कैसे होगी, जब हर एक इंसान को रोजगार मिल जाएगा। तो छठी योजना के अंतर्गत क्या करा गया, रोजगार का सृजन करा गया। योजना नंबर 7, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर का जो ये शब्द का यूज करा गया है पंचवर्षीय योजना में, कौन कौन सी योजना के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग करा गया है, आत्मनिर्भर 4 और 7। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता का यूज करा गया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो फाइनली कहने का मतलब यह है कि 2 बार आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। एग्जाम में जो बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और स्टेट के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 बार किस शब्द को प्राथमिकता दी गई, या फिर 2 बार आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता किस किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी गई। आपको 4 ऑप्शन देगा, पांचवी छठी, पांचवी सातवीं, चौथी सातवीं, सातवीं दूसरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है 47, 47 का मतलब ये कि 4 और 7। अब चलते हैं 8, कृषि एवं विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो बनी थी 1992 से लेकर के 97 तक बनी थी, इसमें कृषि एवं विकास, खेती और उसका विकास पर ज्यादा फोकस करा गया। तो इसके लिए आप चाहो तो इसका कनेक्टिविटी दोबारा से बना सकते हो कि अगेन क्या होगी, हमारी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनी, हमने दोबारा खेती पर और उसके विकास पर ध्यान दिया, उस की और प्राथमिकता दी। क्योंकि देखो बेस तो हमारा खेती था ना, खेती जो हमारी एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर के बाद ही तो हमारा उद्योग बना, उद्योग के बाद क्या हुआ हमारी अर्थव्यवस्था क्या बनी, मजबूत बनी, हर इंसान क्या हुआ यहाँ का आत्मनिर्भरता की हर इंसान ने प्राप्ति करी। कैसे प्राप्ति करी, जब उसकी गरीबी खत्म हो गई, गरीबी खत्म कैसे हुई, जब उसको मिला रोजगार, रोजगार मिलने से क्या हो गया पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा भारत क्या हो गया आत्मनिर्भर। अगेन भारत के लोगों ने सोचा कि कृषि इसका बेस था, खेती इसका बेस था, एग्रीकल्चर इसका बेस था, तो हम इसी के विकास के बारे में थोड़ा और ध्यान देते हैं, अगेन क्या होगा हमारे उद्योग, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी गरीबी का उन्मूलन, रोजगार बढ़ेगा इसमें। तो इस पे अगेन फोकस करा गया, खेती पर 2 बार फोकस करा गया, एक पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और एक 8वीं, ठीक है। बस अब देखिए आगे हम बात करते हैं 9वीं। 9वीं में बात करी गई न्यायपूर्ण वितरण के बारे में।
तो ये योजना चलाई गई थी 1997 से लेकर के 2002 तक। नौ नए नया फोर नेपाल की बात कर रहा हूँ, नौ से न्याय बना है तो आप इसको फोकस करिएगा, क्योंकि नौवीं पंचवर्षीय योजना बहुत कम पूछता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको याद कर लेनी चाहिए, पता नहीं कब किससे मुलाकात हो जाए आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन से। तो नौ से न्याय, बस इतना याद करिए, आपके पास डायरेक्ट एग्जाम में जो भी ऑप्शन देगा प्राथमिकता को लेकर के आप तुरंत उस पर टिक लगा के आएंगे, अपना राइट आंसर उसको दे के आएंगे, आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर योजना जो है 10वीं, 10वीं जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2002 से 2007 तक। इसमें जो लक्ष्य रखा गया, प्राथमिकता दी गई सामाजिक न्याय एवं समानता के बारे में, ठीक है। न्याय के बाद बात करी अगेन सामाजिक न्याय एवं समानता के बारे में, जब न्याय का जो पूर्ण जो वितरण होगा, न्याय का जो अधिकांश समान लोगों में जब उसका बंटवारा होगा, मतलब न्याय की दृष्टि से सब लोग क्या है, समान है, ठीक है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि वो अगर वो एससी है तो उसको ज्यादा छूट मिल जाएगी, अगर उसने दो मर्डर करे ठीक है यार, वो अगर किसी कोटे से है या फिर ठीक है वो थोड़ा सा सॉफ्ट मतलब नेचर का है, प्यार से बात करता है तो उसको कम सजा मिले, ऐसा नहीं है। न्याय की दृष्टि से हर इंसान बराबर है, क्राइम उसने जैसा करा होगा उसके ऊपर उतनी धाराएं लगाई जाएंगी, उसी के हिसाब से उसको क्या मिलेगा, पनिश करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10वीं में बात करी गई कि इसमें सामाजिक न्याय दिया गया एवं समानता हर इंसान को दी गई 10वीं में। और जो 11वीं थी, 11वीं योजना के अंतर्गत ये जो स्टार्ट हुई थी 2007 से 2012 तक हुई थी, इसमें था तीव्र एवं समावेशी विकास, जल्दी और समावेशी मतलब संपूर्ण विकास, सबका विकास। 12वीं में अगेन बात करी गई 2012 से लेकर के 2017 तक के बीच में, त्वरित समावेशी विकास, त्वरित समावेशी विकास। अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, एग्जाम में ये पूछा गया था कई बार, लेकिन बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में उनको पता तो होता है कि ये क्या योजना होती है, उनको ये नहीं पता होता कि किस आयोग के अंतर्गत ये योजना बनाई जाती है, योजना आयोग के अंतर्गत। एग्जाम में अब आपको योजना आयोग नहीं देगा, अब देगा आपको नीति आयोग। अब जिसको ये नहीं पता कि नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था तो मुझको ये राइट आंसर आगे आना चाहिए, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो प्लीज आज आपको पता चल गया कि उसका नया नाम क्या था, नीति आयोग, NITI, नीति की फुल फॉर्म क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको इसके कुछ बेसिक चीजों के बारे में, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आप एक काम करिए, एक अलग से फेयर पेज बनाइए, इस पेज पे कुछ लिखना मत। देखिए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक वर्ड बहुत फेमस हुआ था, वो था इंडिया विजन 2020। ये लक्ष्य रखा था हमारे स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने, ये वर्ड दिया था 2020। उन्होंने कहा था कि 2020 तक हमारा कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी GDP कितनी होनी चाहिए, बेरोजगारी की दर कितनी होनी चाहिए, जीवन प्रत्याशा कितनी होनी चाहिए, या फिर शिशु मृत्यु दर क्या होनी चाहिए। तो इंडिया विजन 2020 की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 23 जनवरी 2003 को, ये स्टार्ट करी गई और लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक हमें कुछ लक्षित विकास दर रखनी है, हमारे एक एम होना चाहिए जो उसमें हमको विकास करना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इंडिया विजन 2020 किसका था, किस राष्ट्रपति का था, उनका नाम बताइए। तो आपको याद रखना है APJ अब्दुल कलाम जी का, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ये आप सबको पता ही होगा, काफी बेसिक क्वेश्चंस है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था। तो अब इसके साथ मैं आपसे बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखिए मैंने आपसे कहा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, दिखाता हूँ मैं आपको, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, इसमें दी गई थी औद्योगिकरण को। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने विकसित करे गए थे। उद्योग का बढ़ावा कब होगा, जब इस्पात कारखानों का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। उसमें जैसे था कि आपका राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर, विशाखापट्टनम, सलेम, या फिर भद्रावती के नाम से, शायद वो कर्नाटक में पड़ता है। तो ऐसे कुछ स्थानों में कुछ इस्पात कारखानों का निर्माण हुआ, ठीक है। ये तो हुआ आपका कुछ पंचवर्षीय योजना में, जहां जहां पर
उद्योग को बढ़ावा दिया गया, वहां वहां पर कुछ कोई ना कोई नया इस्पात कारखानों का भी निर्माण करा गया। ठीक है, उद्योग तब बढ़ेगा जब इस्पात कारखानों का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए राहुल केला कभी कभी हमसे बात करता है कि देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ सेकंड की, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखिए जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। ठीक है, कौन सा राहुल केला, जो राउर केला जो इस्पात कारखाना है वो किसकी सहायता से निर्माणित करा गया? ये करा गया जर्मनी की सहायता से, और कब करा गया? 1959 में। देखिए 56 से 61 के बीच में पड़ेगा आपका 59, तो 59 की ही बात कर रहा है। 59 में पंचवर्षीय योजना चल रही थी, द्वितीय की बात कर रहा है और औद्योगिकरण की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद भिलाई मध्य प्रदेश में अगेन 1959 में ही भारत का सहयोग करा रूस ने। रूस ने बोला कि ठीक है यार, कि अगर आपको लगाना है इस्पात कारखाना, मैं आपको डोनेट करता हूँ, मैं आपको डोनेशन देता हूँ, आप कारखाना लगाइए और अपने देश का विकास करिए। तो जर्मनी और रूस ने, दोनों ने ही बहुत बड़ी सहायता करी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि राउरकेला उड़ीसा में इस्पात कारखाना जो लगाया गया था वो किस देश के सहयोग के द्वारा लगाया गया था? ठीक है, इस उस देश का नाम बताओ, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन या फिर कोई संयुक्त राज्य अमेरिका को नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है जर्मनी सबसे पहले सहायता किसने करी? जर्मनी ने। जर्मनी के बाद कौन आया? फिर आया रूस। 1959 दोनों के सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, दोनों के साल जो थे, ईयर जो थे, बिल्कुल सेम थे। रूस ने करा भिलाई में सहायता, और राउरकेला जो था ये था हमारा जर्मनी। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन ने भी सहायता करी, वो सहायता करी 1962 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि किसने कब किसकी सहायता करी। तो ये दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि उड़ीसा में कौन सा इस्पात कारखाना है, उसका नाम बताइए और वो किसके सहयोग से स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये यूपी पीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसलिए मैं इसने इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके यहीं पे ही आपको ये छोटे छोटे पॉइंट लिखवाना ज्यादा बेहतर समझा। और एसएससी के एग्जाम में मैक्सिमम पूछा गया है भिलाई के बारे में। ठीक है, भिलाई कहाँ पर है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है? यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और किसकी सहायता से स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ रूस की सहायता से। बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफी छोटा था, काफी सारे फैक्ट हमने इसमें कवर करे कि कौन सी योजना का नाम क्या था, किसमें किस चीज को बढ़ावा दिया गया। एक ट्रिक ही हमने याद करी कि किस ट्रिक से हमें पहले खेती, फिर उद्योग, फिर अर्थव्यवस्था, फिर आत्मनिर्भरता, गरीबी का खत्म होना, उसके बाद रोजगार का बढ़ावा देना, रोजगार को जन्म देना, बहुत सारी हमने ट्रिक आज यहाँ पर सीखी। अगर आप इसी तरह से स्टडी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आपका सिलेक्शन डैम श्योर है कि होगा। ठीक है, और नोट्स बनाने में प्लीज कंजूसी मत करना। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज 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 इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर करना। ठीक है, अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी स्टडी करवाइए। करवाइए क्या, आपको एक शेयर पे क्लिक करना है और उसका जो भी नाम वगैरह हो वो सिलेक्ट करना है और उस तक भेज देना है। बस बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।